हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो ऑफ ग्रो विद मनी। तो ये हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लिया है ट्रेडिंग पर्पज हेतु। इसमें हम अपने इंडिकेटर ऐड करेंगे और एक एक इंडिकेटर से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसके बाद कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला इंडिकेटर हम इस पर ऐड करेंगे ए एंगुलर ऑटो फॉलो लाइन एंगल अटैक फॉलो लाइन इंडिकेटर। देखिए, ये हमारा पहले इंडिकेटर है AAFLI। अच्छे से देख लें और इसको हम फेवरेट में ऐड करके इसको ऐड कर देते हैं। अब देखिए, ये हमारा पहला इंडिकेटर ऐड हो चुका है। इसकी सम सेटिंग चेंज करेंगे, इनपुट में 21 को 200 कर दें, बाद बाकी ये रहने दें, स्टाइल सब करेक्ट है, ओके। अब देखिए, ये हमारा पहला इंडिकेटर ऐड हो चुका है। अब देखिए, AAFLI के जरिए एंगल अटैक फॉलो लाइन इंडिकेटर के जरिए देखिए, ये वैलिड सिग्नल है, वैलिड सिग्नल दिया यहाँ पे सेल पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे और जहाँ पे बाय होगा हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अब देखिए, इस कैंडल पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई, इस पे हमें सिंपली शॉर्ट की पोजीशन लेना है जहाँ पे सेल लिखाएगा। उसके बाद देखिए, टारगेट के लिए अगर हम शॉर्ट पोजीशन देखें और इसको अगर हम बड़ा करें तो देखिए कितने परसेंट के टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं, 5% के टारगेट दिखाई दे रहे हैं सिंगल ट्रेड में। आप अमेजिंग है गाइस, इस तरह के रिजल्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि एक सिंगल ट्रेड में हमें 1 या 2% का भी प्रॉफिट हो जाए। इंट्राडे में तो काफी होता है, यहाँ तो 5% के भी प्रॉफिट देखने को मिले हैं। देखिए, इसी तरह के हम और दूसरे बाय ट्रेड में देखेंगे। ये सभी देखिए, अभी रेड सिग्नल ही है, कहीं पर भी बाय नहीं है। देखिए, यहाँ पे बाय ट्रेड आया, लेकिन हम कुछ बाय ट्रेड को अवॉइड करेंगे। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इनको हम क्यों स्किप किया। अब देखिए, ये वाला बाय है, लॉन्ग ट्रेड लिया। कंप्लीट स्ट्रेटेजी सीखेंगे तब हम देखेंगे कि कौन से बाय ट्रेड हमको अवॉइड करना है, स्किप करना है और किस पे हमें ट्रेड लेना है। आगे कुछ और इंडिकेटर के ऐड यूज के जरिए हम उनको देखेंगे। अब देखिए, इसमें 3% का प्रॉफिट अगर हम और बेट करते, सिंगल ट्रेड में ही हमें 2 से 3% अगर प्रॉफिट मिल जाए। देखिए, 3% से ज्यादा का प्रॉफिट इसमें हो चुका है हमें, और इस कैंडल रिवॉर्ड से भी 1:3 का मिल रहा है हमको। और क्या चाहिए गाइस, देखिए शानदार इंडिकेटर है। देखिए फिर से यहाँ पे अगर इसी ट्रेड को कंटिन्यू करते स्टॉप लॉस के साथ में, तो देखिए कितने परसेंट के, 5% पहली वाली ट्रेड पे मिला, 5% का यहाँ भी। तो चाहे बाय हो या सेल हो, दोनों में 5-5% तक के इंट्राडे के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और भी हम कुछ इंडिकेट देखेंगे इसमें कि किस तरह के सिग्नल दिए और इसका रिजल्ट कितना शानदार रहा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, अगर हम इसी को मान लो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेट करते हैं, अब फिर देखिए 1 आवर पे भी अगर हम ट्रेड करते तो देखिए इस वाली कैंडल पे लॉन्ग पोजीशन लेते। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे मैं सेट करके बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पांच परसेंट से ज्यादा की टारगेट हमको इसमें सिंगल ट्रेड पे दिखाई देने लगी। देखिए 13% का, अमेजिंग गाइस, बहुत ही शानदार रिजल्ट। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे उतने बड़े टारगेट दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए, ये पहले वाला 15 मिनट का वो है, अब इसी तरह के अब हम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम यूज कर रहे थे तो हमने उस सिग्नल को स्किप कर दिया था, तो उसका रीजन मैं आप बताने वाला हूं। आगे हम इसमें दूसरा इंडिकेटर भी ऐड करेंगे। तो दूसरा
इंडिकेटर ऐड करेंगे जो है स्टोकेस्टिक हिस्टोग्राम इंडिकेटर, स्टोकेस्टिक हिस्टोग्राम के देखिए स्टोकेस्टिक हिस्टोग्राम दूसरा इंडिकेटर भी हमने ऐड कर दिया है। इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हम, ये जो लेंथ है इसको 14 से 28 कर दें और इसको 10 कर दें। उसके बाद स्टाइल सेक्शन पर जाएंगे, प्लॉट 2 को रिमूव कर दें, इसको 100% कर देंगे और रेड है इसको भी 100% करके ओके। अब देखिए ये दोनों इंडिकेटर हमारे परफेक्टली ऐड हो चुके हैं। तो ये है हमारे आज के दोनों इंडिकेटर ट्रेडिंग टूल्स। अब हम देखते हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी। कंप्लीट स्ट्रेटजी देखें उससे पहले 3 सेकंड में प्लीज वीडियो को लाइक करें। 3, 2, 1 गो। थैंक यू गाइस, यू आर द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के केस में ये नीचे जो इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक हिस्टोग्राम, इसने हमें बाय का सिग्नल दे दिया है, यानी कि ग्रीन बार्स बन रही हैं। जहां भी ग्रीन बार्स बनेंगी ये मतलब लॉन्ग पोजीशन के लिए, और रेड बार्स यानी कि सेल का संकेत है। तो दोनों में से जहां पे ग्रीन बार बन रही है, लेकिन हमारा जो पहला इंडिकेटर है AAFLI, इसने अभी तक हमें बाय का सिग्नल नहीं दिया है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे बाय का सिग्नल आने का। अब देखते हैं जहां भी बाय सिग्नल आएगा, देखिए इस पॉइंट पे हमें दोनों इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया। पहला इंडिकेटर जो AAFLI है, इसने हमें बाय का सिग्नल दिया, गिव्स अस बाय सिग्नल, और दूसरा नीचे वाला हिस्टोग्राम इंडिकेटर है, इसने भी बाय का सिग्नल दिया। तो दोनों कंडीशन हमारी मैच हो गई हैं, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन इस वाली कैंडल पे, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। ये करंट स्विंग लो है, इसके आसपास यहाँ हाई है, यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट भी बड़े कर लेंगे। अब देखते हैं इस ट्रेड को मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ट्रेड एकदम परफेक्टली है। अब हम थोड़ा टारगेट को अपने को बड़ा करेंगे। ये टारगेट हमारा अभी 2% का ही है, इसको हम बड़ा कर देंगे और एटलीस्ट एक सिंगल ट्रेड में 2% से 3% का प्रॉफिट हमें अगर मिलता है तो उसको गुड कहा जा सकता है। देखिए एक लॉन्ग ट्रेड हमने लिया था बैंक निफ्टी में इस इंडिकेटर के द्वारा, उसकी टारगेट देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया था, जब दोनों इंडिकेटर की कंडीशन मैच हो जाएंगी तो टारगेट भी हमें उतने ही बड़े दिखाई देंगे। 7% से ज्यादा का टारगेट अभी तक इसमें हो चुका है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने कुछ इंडिकेटर्स को, कुछ सिग्नल्स को क्यों स्किप किया था, क्योंकि दोनों इंडिकेटर्स की परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। अगर एक इंडिकेटर की यूज करेंगे तो हो सकता है कुछ बीच बीच में फॉल्स सिग्नल आ जाए। अब हम देखेंगे दूसरे कोई सिग्नल आएगा, जैसे ये बाय का ट्रेड चल रहा है अभी भी कंटिन्यू है, अगर हम इसको आगे के लिए कंटिन्यू करें, पिछले वाले जो ट्रेड है इसको अगर हम यहाँ तक लेके आए तो बहुत ही बड़े और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते अपने प्रॉफिट को एंजॉय करें। 12 से 15% का प्रॉफिट भी कई बार एक ट्रेड में ही हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया, नीचे वाला जो हिस्टोग्राम इंडिकेटर है उसने सेल सिग्नल दे दिया, लेकिन ऊपर जो AAFLI इंडिकेटर है उसने अभी तक हमें सेल सिग्नल नहीं दिया है। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली अवॉइड कर देंगे और स्किप कर देंगे इस ट्रेड को, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि हमारे दोनों इंडिकेटर
सेल का साइन नहीं देंगे तब तक हम कोई भी सेल का ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। ओके देखिए यहाँ पे मार्केट ने दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं, जो ऊपर वाला इंडिकेटर AAFLI उसने हमें सेल का सिग्नल दे दिया इस कैंडल पर, ये वाली कैंडल, और दूसरा नीचे जो हिस्टोग्राम इंडिकेटर है उसने भी सेल का सिग्नल दिया। दो परसेंट के टारगेट हमें इजीली देखने को मिल रहे हैं, बल्कि 3% तक के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए 3% का टारगेट, 3% भी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कोई छोटा टारगेट नहीं है, इजीली अचीवेबल है। तो यहाँ पे सेल ट्रेड में हमें 3% के टारगेट देखने को मिल गए। उसके बाद देखेंगे ये बिल्कुल लाइव मार्केट है, इसमें कहीं भी देखिए यहाँ पे फिर से बाय का सिग्नल बना, दोनों इंडिकेटर ने हमारी दोनों कंडीशन मैच की और यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया। तो फिर से हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं इस वाली कैंडल पे। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलना है और परफेक्ट सिग्नल का वेट करना है। बिल्कुल परफेक्टली सिग्नल बाय का या सेल का होगा, वहीं हमें केवल एंट्री करना है। अब देखिए इस पे भी 2-3% के टारगेट तो देखने को, 4% के टारगेट देखने को मिल चुके हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।